Welcome back to my channel. So today is another daily vlog. और आज है फ्राइडे, मेरी KCCI वाली क्लास जा रही हूँ मैं. एंड मंडे को दिवाली है, दो दिन बाद. बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा. आज मैंने एथनिक इसलिए पहना है क्योंकि आज हम सब क्लास की लड़की ने डिसाइड किया था कि आज हम एथनिक पहनेंगे. एंड हम मैम को भी कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो वो भी देंगे. हमने एक ऐसे स्वीट्स का बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर था जो हमने हल्दीराम से लिया था, वो देंगे. और आज पता नहीं मुझे थोड़ा नौजिया सा हो रहा है, थोड़ी पता नहीं. एक तो मैंने परांठे भी खा लिए तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं, देखते हैं. और मैं सर के दर्द की दवाई लेके आ रही हूँ. वो हमेशा मेरे लिए मस्त रहती है कि सर के दर्द की दवाई होनी चाहिए क्योंकि कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, जैसे अटैक पड़ता है ना वैसे. पापी पापी, मम्मी को बोल दिया आपको खाना दे देंगे, ठीक है. बाय 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 चना बाय बाय. देखो स्कूल बस, और स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बिलीव ही नहीं हो रहा. स्कूल भी जाना होता है, क्यों जाना होता है? आज तक बच्चे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं क्या? मेरी ठंड से गर्दन और कमर अकड़ गई मेरी, मैं बूढ़ी हो गई. ये बाल देख रहे मेरे, ऑटो वाले ने ऐसे उड़ाया है ना, ऐसे झुलाया है, ऐसे लग रहा था कि एयरप्लेन की खिड़की से बाहर अपने मुंडी निकाल रखी है मेरी. देख लो क्या हो गया है. और एक तो खुले ही नहीं होते भाई किसी के पास. ठीक है, हम दुनिया में थोड़ा पीछे चल रहे हैं कि मैं मेरी मम्मी नहीं यूज़ करते हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा ये थोड़ी है कि खुले फिर पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे. दुनिया में पैसे ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है भाई. वैसे तो हम सब क्लास के लड़कियों ने डिसाइड किया था कि हम एथनिक पहन के आएंगे, बट मुझे से क्यों लग रहा है कि मेरा पोपट होने वाला है और कोई नहीं पहन के आने वाला है. यार देखो, जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन है तो मैंने सोचा था कि मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ व्लॉग करूँगी, मतलब एक हफ्ते तक, बट मैं नहीं कर पाई. बीच में ऐसा हुआ था कि मैंने दो तीन बार करने की कोशिश की थी, स्टार्ट किया था, बट फिर कुछ भी नहीं हो रहा था तो मैं कर ही नहीं पाई. भाई तुमने धोखा दिया है बोला था ना. एथनिक नहीं है वो, वहाँ क्या कर रही है? मैंने बोला था यार ये एथनिक नहीं है. यार ये कुर्ती है यार, ऐसा मेरे पास ज्यादा एथनिक. ये थोड़ा बोहो वाला है बट अच्छा लग रहा है वैसे. यू लुक ब्यूटीफुल. मुंह तो दिख ही नहीं रहे, चश्मे मास्क बाल अच्छा लग रहा है. देखो मनीषा बिंदी लगा रही है लाइनर से. भाई सब लगा लो बिंदी, मैम को भी लगा देना बिंदी. मैम अच्छी लगेंगी. भाई देखो यहाँ पे सब लड़कियों का मेकअप चल रहा है, किसी ने भी लिपस्टिक नहीं लगाई थी ना बिंदी लगवाई. सबको लगानी है लिपस्टिक, बिंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिवाली समर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली. ये राजमा चावल, ये क्या है? चटनी और ब्रेड. इसमें तो डाला होगा ना घी या कुछ. कोई नहीं, मैं ये खाऊंगी. मम्मी ने भेजे राजमा चावल और ये मूली का पराठा और बैंगन का भरता. भाई हम तो अपनी फोटोज खिंचवा चुके हैं यहाँ पे, दूसरे इंटरमीडिएट बैच वाले खिंचवा रहे हैं और हम यहाँ पे, ये यहाँ पे फोटोग्राफर बन गए हैं. हम यहाँ पे बस इनको ताड़ रहे हैं पता नहीं क्यों. तो छुट्टी हो गई है और हम अभी
कैफे में आए हैं और मुझे जाना था पास्ता खाना था, बट ये कोई जा ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा, सो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं एंड देन देखते हैं। तो अभी हम उधर कैफे से उठ के हम इधर ही आ गए, कैफे डायरी जहाँ पे हमने रूपल का बर्थडे बनाया था। तो अभी हम यहीं पे खाएंगे क्योंकि मेरा पास्ता खाने का बहुत ज़्यादा मन था और मैं बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी कि मुझे खाना है खाना खाना है, तो हम यहीं पर आ गए। तो हमने मंगाए थे मोमोज, फ्राइड मोमोज एंड पास्ता रबियाता, ये मेरी फेवरेट है, एंड ये स्प्रिंग रोल भी मेरे फेवरेट है। चाउमिन भरी है ना। ईशा आप क्यों डर रहे हो? क्योंकि ऊपर एक बहुत फेमस फूड ब्लॉगर आया हुआ है और इसको उसके साथ फोटो खिंचवानी है और ये भी बस खिंचवाने वाली है। एंड ही इज कमिंग। भाई मैं क्या बताऊँ, कितना कमर में दर्द हो रहा है ना, इतना ज्यादा, और हमेशा मैं यही बोल रही होती कि इतना खा लिया चला नहीं जा रहा, बट आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लिटरली कमर ना ऐसे हो गई है अजीब सी, और गर्दन में भी दर्द हो रहा है, अजीब सा ही लग रहा है। मुझे पता है मेट्रो में सीट भी नहीं मिलेगी, ये और सर दर्द है, बहुत बुरा लगता है। तो मैं बस घर जा रही हूँ और मैं आपको घर जाके मिलती हूँ, दिन में घर जाके रेस्ट करूँ। तो मैं घर आ चुकी हूँ और जो मैंने आपको फोटो फ्रेम्स दिखाए थे, मैं उनमें फोटोज लगा रही थी और उस फोटो फ्रेम वाले ने सारी गलत फोटोज निकाली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसे क्या सेंटीमीटर में साइज बोला था और उसने क्या इतना बड़े बड़े साइजेस निकाल दिए और इतने ज़्यादा पैसे भी ले लिए। सिर्फ इन कुछ फ़ोटो फ्रेम्स में ठीक फ़ोटो लगी हैं, इसमें हो गई, इसमें हो गई, इसमें हो गई, इसमें और इसमें, और ये जो 5 फ़ोटोज हैं ये एकदम गलत साइज निकाला है उसने। सो अभी मैं मम्मी और जावी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैं ये फ़ोटोज चेंज करवाऊँगी और जावी को घुमाना है और मम्मी और मेरा सूट लेना है शनि का भी। और मम्मी ने ऐसे बोला कि कल हम आटा लेके आए थे, वो आटा काला निकला, उसकी काली रोटी बन रही है। वैसे कितना फनी है ना, हमने सामने ही पिसवाया था, पता नहीं क्या काली रोटी बन रही है, तो गेहूं भी काला था। हाँ, तो उसको बोल के आना है। वो देखो मम्मी पापा नन्हे बेबी को घुमा रहे हैं, मेरी तो हिम्मत हुई नहीं इसको घुमाने की क्योंकि मेरे तो पैर टूट गए लिटरली, मैं कहीं से डांसर नहीं हूँ, तो वो उसको घुमा रहे हैं। सो फोटोज वाला काम तो हो गया है, बट अभी 2 दिन और लगेंगे और अभी आए मम्मी और मैं अपना सूट देखने के लिए। अरे भाई मम्मी सुर्री की तरह भागे जा रही हैं, मैं बुढ़िया की तरह पीछे पीछे चल रही हूँ, चला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, इतनी धीरे धीरे चल रही हूँ। अरे मम्मी रुक जाओ, मम्मी धीरे चलो। मम्मी और मैं ना बस मार्केटों में मंडरा रहे हैं, बस कभी इस मार्केट कभी उस मार्केट। अभी मैं मम्मी को यहाँ पे स्पेशली लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे वो स्काई लैंटर्न चाहिए, मुझे आज उड़ाने का बहुत ज्यादा मन है। अरे मम्मी गिरोगी क्या? ये फटी हुई होगी, तो फटी हुई तो नहीं होगी, 40 रुपए की तो कहीं नहीं है, पैसे सही लगा ले। मम्मी बल्कि इसने तो 40 सस्ती बोल दी, 30 रुपए लगा, वो तो 70 रुपए की लगा रहा था उधर, 30 रुपए लगा। तुम ही बोलो मम्मी, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। देखते यार क्या क्या है। मम्मी से नो टू क्रैकर्स, क्रैकर्स नॉट गुड। जो आसमान में जाके पूछता है वो नहीं है, वो नहीं है, इसी को आसमान में चला रहे थे वो। लेकिन क्या चीज ये मम्मी 80 की बोल रही है, 40 रुपए के पीछे देना, तुम 80 की बोल रही हो। Isn't this so funny? मम्मी मुझे नहीं लग रहा 40 से सस्ती मिलेगी, चलो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे और पूछ लो, ये और महंगी लगाएगा। भैया स्काई लैंटर्न कितने? अश्विनी क्या बना रही है? अश्विनी बना रही है दाल चावल, टेस्टी टेस्टी। अश्विनी तुमको दाल चावल पसंद है? और कल हम बनाएंगे राजमा। ला 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 ला। कोई कुछ सोच ले, बट राजमा हमारा दिल है, हफ्ते में एक बार राजमा बनना ही चाहिए। हफ्ते में एक बार तो बट नहीं बन पाता ना। बनेगा कोई नहीं, लोगों को लगता है हम राजमा ही खाते हैं, बट हम ब्लॉग ही उस दिन बनाते हैं जिस दिन राजमा होता है। बट देख लो आज तो दाल चावल है। वैसे क्या मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि हमारी लाइट्स कैसे लग रहे हैं? देखो ऐसे वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट पूरी गली में ना सबसे अच्छी लाइट्स है, सबसे दूर से ना हमारी चमक रही है, क्योंकि ये सच है और सच को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अपन ऊपर इसको खोल रही है, हाँ ये इजीली खुल जानी चाहिए भाई, अच्छी होती है। चलो अभी ट्राई करके देखते हैं, अगर इनकी अच्छी हुई तो। क्या नूपुर वो फटी हुई नहीं है, वो तूने फाड़ दी, ठीक है ना? मैंने नहीं फाड़ी। क्या ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है? नहीं नूपुर तू बहुत जल्दी जल्दी उसको खोली थी, इसी हमारे साथ ही क्यों होता है?
नुपुर तो उसको बहुत जल्दी खोल थी इसलिए हुआ है वो भी वहाँ बैठा हुआ, हमने उसको बांध दिया है। यूवी एक बार शेक हैंड कर दो, शेक हैंड जल्दी करो, जल्दी करो शेक हैंड, इसको किसी की आवाज आ रही है। ये देखो गरीब बच्चे जिनके पास उड़ाने के पैसे नहीं है, वो इनको ऐसे ही उड़ाते हुए घूम रहे, अरे पागल है क्या। तो वो वाली तो नाकामयाब रही, अभी हम इसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हो जाएगी। अरे तो तार में आग लग गई, अरे ये क्या हो रहा है यार, तू क्या कर रही है ऊपर, अरे इसमें से कुछ गिर रहा है, जाए वहीं स्टे करो बस अब इसमें, और मैं नहीं। दे उड़ा दे, ये वाला कैसा रहता है, करूं? 1 2 3 उड़ जा पंछी, पेड़ में मत जाइयो, पेड़ में आग लग जाएगी, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। ओए जूबी को क्या हो रहा है भाई, नीचे से एकदम यहाँ बॉटम पे से। ये वाली तो एकदम सही जाएगी। ऊपर पेड़ के पास नहीं, दूर हो जा, इधर आ, इस साइड आ, मम्मी को भी दिखनी चाहिए, ठीक है थोड़ा सा नीचे से पुश करके फिर ऊपर फेंक दियो। आटे वाली पेड़ में क्यों जा रही है ऊपर, देखो मेरे हाथ पे मोम गिर गया गरम गरम, इधर गिर गया था देखो। तो हमने फाइनली उड़ा दी, चलो अब जावी को छोटू पॉडी कराने चलो। सो बस आज का छोटू सा बट मजेदार व्लॉग बस इतना ही था, एंड आई होप ये आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय दिवाली व्लॉग बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, मतलब मैं अपने साइड से पूरा ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छा बने वो व्लॉग। सो येस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।